आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे आमतौर पर लोग आईटी के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा आईटी, कि हमारा रिलेटिव आईटी फील्ड में काम करता है। कभी कभी न्यूज़ में आप सुनते हो कि आईटी सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब के अपार संभावनाएँ हैं। तो एक्चुअली आईटी होता क्या है? आईटी का फुल फॉर्म इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम हिंदी में लिखें तो कहेंगे सूचना तकनीक। सूचना तकनीक, यहां पे थोड़ा हिंदी, यहां पे हम तकनीक ऐसे लिखेंगे। टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक, क्या है ये सूचना तकनीक? टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईटी बोलते हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, हिंदी में हम उसे सूचना तकनीक बोल रहे हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स टू ट्रांसमिट आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है या सूचना तकनीक एक ऐसी तकनीक या सिस्टम है जो हमारे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाती है। अब यहाँ पे बात आती है इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हमारे जहाँ पर इन्फॉर्मेशन, आजकल हर कोई बोलता है कि उसका बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। हर इंसान जो है ना किसी फील्ड से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए, लेने के लिए और देने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करने जाएं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, सो इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन होगा कि इन्फॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल मैसेज। इन्फॉर्मेशन मीन्स अ मीनिंगफुल मैसेज, एक ऐसा मैसेज जिसका कोई मतलब होता है उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम इसे कंप्यूटर साइंस की भाषा में बताने जाएं, सो कंप्यूटर साइंस में हम इन्फॉर्मेशन को बोलेंगे इट इज़ अ प्रोसेस्ड डेटा। इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा। एक्चुअली डेटा, ये टर्म्स कॉमन है कंप्यूटर की दुनिया में या कंप्यूटर की भाषा में। डेटा द लॉ फॉर कंप्यूटर, एनीथिंग दैट कैन बी योर नेम, नंबर, पिक्चर, सिंबल, जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं वो डेटा है। लेकिन जब वो डेटा कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस होके एक मीनिंगफुल फॉर्म में आता है उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये है हमारा इन्फॉर्मेशन। और इसमें जो तकनीक या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ आईटी में आपके तीन महत्वपूर्ण टाइप होते हैं। एक है आपका हार्डवेयर, दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन इज योर नेटवर्क। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। अब इसको समझिए, हमने अभी आपको बताया कि यस, कंप्यूटर इज अ लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन उस कंप्यूटर में मौजूद इंफॉर्मेशन को मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना हो तो उसमें हमारा, क्योंकि देखो आपका एक कंप्यूटर हो उसमें ये दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स बना है, वो है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको है, या हम लोग इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे हार्डवेयर चैप्टर में। सॉफ्टवेयर, इट्स अ प्रोग्राम दैट इज स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को अलग अलग फॉर्म में स्टोर करता है। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन द फील्ड ऑफ आईटी इज योर नेटवर्क। नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं। या नेटवर्क का मतलब होगा एक से ज्यादा मशीनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि जैसे कनेक्ट होने का मतलब दे शुड बी कैपेबल टू शेयर देयर इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से शेयर कर सकते, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। अब इसके फील्ड की बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो देखो आईटी सेक्टर्स में तो आईटी के ये तीनों कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें से जिस सेक्टर में भी वो काम कर रहे हो उन्हें क्या बोलेंगे? दे आर जस्ट वर्किंग इन आईटी सेक्टर। So if we are trying to get career in this field, yes, of course, we are having the three important section where, from where we can begin our career. जहां से हम अपने career को शुरुआत दे सकते हैं।
you can get more knowledge in the field of hardware, and even you can place there. You can also get more knowledge in the field of software and even network also. So ये अलग अलग field भी हैं. If you are getting it as a career,